वेलकम टू बीएससी कोचिंग, इट्स मी ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। मैं आप सभी का बीएससी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से वॉयस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। वॉयस के क्वेश्चंस को देखकर आज के बाद आप पक्का बोलेंगे कि माना कि तू किसी रानी से कम नहीं है, माना कि तू किसी रानी से कम नहीं है, पर तू ऐसी भी रानी नहीं है जिसके राजा हम नहीं है। तो वॉयस के क्वेश्चन चुटकियों में हम लोग फिर से बनाना सीखेंगे। तो आज के सेशन का ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हेल्प द नीडी पर्सन। देखिए, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑप्शंस को देखेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग जब भी वॉयस के क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑप्शन पे एक नजर जरूर मार लेंगे फटाफट, और उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें क्लू मिल जाएगा, एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि हमारा सुटेबल आंसर क्या होगा। अब देखिए, द नीडी पीपल आर बीइंग हेल्प, तो आर बीइंग ये पॉसिबिलिटी नहीं रख रहा है सेंटेंस। लेट द नीडी पीपल बी हेल्प, द नीडी पीपल आर हेल्पिंग। पैसिव वॉइस में हमेशा वी3 होता है। लेट द नीडी पीपल बीइंग हेल्प्ड, बीइंग कब लगेगा, जब हमारा एक्टिव वॉइस में आईजी रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग लेट से बनाएंगे, तो हमारा आंसर होगा लेट द नीडी पर्सन बी हेल्प, दैट्स व्हाई बी। तो ये हमारा क्या हो गया, कटा आर कहां से आ जाएगा, इसमें आर का तो कोई कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पे हेल्पिंग V3 होना चाहिए था, तो V4 भी नहीं आएगा, इसका भी कनेक्शन नहीं है। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, बी जाके हमारा क्या हो गया, सटा, कटा सटा, है ना। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। ये भी हमारा सेंटेंस जो है इंपरेटिव ही सेंटेंस है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में चार तरीके का मेजर सेंस डेवलप होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर क्या हो गया, एडवाइस। यहाँ पर प्लीज लग गया तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा रहता है तो रिक्वेस्ट को डेवलप करता है। आइए हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ये हमारा सीजीएल 17/8/2018, ये दोपहर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अगस्त महीने में जो एग्जाम हुआ था आपका। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, कैन यू प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, विल यू प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज लग गया तो सीधे, देखिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा है तो आंख बंद करके शुरू करिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो सेंटेंस है उसको हम लोग प्लीज या काइंडली को रिमूव करके ऐड कर लेंगे। जैसे प्लीज सीट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट डाउन, प्लीज गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को फटाफट पैसिव वॉइस में डेवलप कर लेंगे। यहां पर हमारा हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, तो ये हमारा कटा 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 और ये सटा। तो किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली देखेंगे तो आप फटाफट क्या लगा देंगे, शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो रिमेनिंग सेंटेंस का पार्ट होगा प्लीज या काइंडली को रिमूव करके, चूंकि रिक्वेस्ट के साथ प्लीज या काइंडली कभी नहीं आता है, एड कर लेंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है, हू रोट द रामायण, हू रोट। अब देखिए रोट यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, V2 है, रोट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, V2 है जी। अब यहाँ पर ये भी हमारा सीरियल में देखिए पूछा गया सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे V2 वाले केस में हम लोग वाज या वर का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं जहां पर लगा रहेगा V2 उसके पैसिव वॉइस में वाज आएगा या फिर क्या आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पर देखिए वाज है, वाज है, वाज है, और यहाँ पे वाज भी, यहाँ पे भी है, लेकिन हु है तो बाई हुम हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हु हमारा नॉमिनेटिव केस है, मतलब वाज से यहाँ पे क्लियर नहीं होगा क्या होगा, तो आगे फिर देखेंगे हम लोग आगे पीछे। तो हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम, तो बाई हुम यहाँ पे बाई हु है, बाई के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, नॉमिनेटिव है ये कटा, यहाँ पर हु वाज ये भी क्या हो गया, कटा। अब बाई हुम यहाँ पे है, यहाँ पे भी बाई हुम है, वाज द रामायण रिटेन, और यहाँ पे दैट हु रोट, रोट V2 है, तो क्या पैसिव वॉइस में V2 आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है, V3 आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आप देख पा रहे हैं ये कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, और बी हमारा जाके सटा। हु बाय हुम यहाँ पे है ना, हु रोट द रामायण, तो इसका हो जाएगा बाय हुम वॉज द रामायण रिटेन। बोले बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको क्लू मिलेगा जहां से आप समझ पाएंगे कि यही मेरा आंसर होगा, और होगा तो 100% होगा, एकदम कोई उसमें दाग नहीं, 100% होगा, कोई ना कोई स्मार्ट क्लू आपको मिलेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने जोड़ दिया है, इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर।
अब देखिए यहाँ पर हैज लगा है, हैज लगा है, सीधे हैज पे फोकस करेंगे। तो हैज वाले में हम लगा हैज और हैव लगा रहे, V3 लगा रहे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हम लोग बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीन। तो चलिए हैज बीन आप खोजिए, आर बीन है, बीन लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। कटा हैड है, कटा हैव यहाँ पे है, तो ये सटे सकता है। टू गुड जॉब्स, जॉब्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो हैज होगा नहीं, इसलिए हैव बीन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये कटा, ये कटा, ये कटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा आसपास का है, यहाँ पे हैज है और हैव है, बाकी सब सेम ही है ना। अब यहाँ पे आप देखो टू गुड जॉब्स, तो ये प्लूरल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? हैव होगा। बात समझ में आ गई? ये कटा, ये कटा, ये कटा, और ये सी नंबर जाके सटा, कटा सटा, फटाफट हम बुला लेंगे, है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है। द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुड लगा है, तो कुड हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमारे 13 होते हैं, आप जानते होंगे कैन कुड मे माइट सेल्स एंड विल वुड, ये सारे कितने होते हैं? 13 होते हैं। और मॉडल वर्ब वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बी लगा देते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई मी, ऐसे हम लोग बना लेंगे। तो कुड नॉट बी होना चाहिए था, यहाँ पर हमारा कुड नॉट बी है, यहाँ पर वर नॉट है, विल नॉट है, वुड नॉट है। कटा कटा कटा, हटा सावन की घटा, आंसर फटाफट बता, कौन आंसर हो गया बताइए आप लोग? तो आंसर हमारा हो गया ये पहला। बात समझ में आ रही है हम लोग को? तो कितना स्मार्ट ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कटा 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 सटा, ये चीज आप भी सीखिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को दो चीजों को डेवलप करना होता है, एक स्पीड और दूसरा क्या हो गया? एक्यूरेसी। तो ये ट्रिक अगर आप अपने साथ एग्जाम में लेकर जाते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, आप भी कटा सटा के माध्यम से फटाफट फटाफट आंसर को करते जाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आज हम लोग इतना ही क्लास में सीखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग और नए नए क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। जितना ही, दैट्स ओवर।